हमारे बड़े भाई अतीक अहमद भूतपूर्व सांसद और 3 दफा 4 दफा विधायक हो चुके हैं, और हमारा छोटा भाई अशरफ जो बरेली में है बहुत दिन से जेल में, उन दोनों को चर्चित जो हत्याकांड इलाहाबाद में हुआ है, चर्चित हत्याकांड जो इलाहाबाद में हुआ है उसमें पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। तो मेरी भाभी को नहीं पता होता था कि मेरे बच्चों के पास कौन दोस्त है बाबा रहे हैं शाइस्ता परवीन को, और उनको इस साजिश में, आप लोग बताइए कोई महिला, घरेलू महिला साजिश में होती है किसी कांड में, वो भी इतने बड़े चर्चित कांड में। अब आप लोगों से चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा ले। तो साथियों आपने सुना मोहतरमा क्या बोल रही थी, बढ़ती जा रही है अतीक अहमद की परिवार की समस्या, बेटे सब जेल में हैं, एक भागा हुआ है जिस पर आरोप है जिसने गोली चलाई, किस पर, उमेश पाल पर, अतीक जेल में है, कार्रवाई चल रही है कि साबरमती से उसको यूपी लाया जाए पूछताछ के लिए, उमेश पाल हत्याकांड में है। तो इसी पर होगा आज वीडियो, और जो अतीक अहमद की पत्नी कुछ शूटर्स के साथ नजर आई जिनका नाम इस उमेश पाल हत्याकांड से भी जोड़ा जा रहा है, तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो पहले आपने मोहतरमा को देख चुके हैं, उनकी आवाज में दर्द है, अफसोस है, आंखों में आंसू हैं। वो ये भी कह रही हैं कि एक घर चलाने वाली महिला ऐसे लोगों से क्या संबंध रखेगी, क्या कॉन्स्पिरेसी करेगी, कौन सी क्रिमिनल ऐसी हो सकती है, वो तो आखिर एक पर्दा नशी बुरखा नशी एक औरत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, एक माँ है, एक पत्नी है। पर जो वीडियो सामने आया उनका, जिसने उस शाइस्ता की अतीक अहमद की पत्नी की मुसीबत बहुत बढ़ा दी है, इतनी कि अब उस पर भी इनाम घोषित हो गया है। यूं तो इस वीडियो के लिए डिफेंस ये भी हो सकता है कि भाई मैं तो चुनाव लड़ रही थी, मैं तो वोट मांगने जा रही थी, निकाय चुनाव घोषित होने जा रहे थे। लेकिन इस सवाल का जवाब देते देते उनसे ये ज़रूर पूछा जाएगा, वैसे तो अभी फ़िलहाल इनाम घोषित है, कि भाई आप एक बल्ली सुधांशु पंडित करके जो एक अतीक का शूटर हुआ करता था उसके घर जा रही हैं, और दूसरा शूटर जिसका नाम उमेश पाल हत्याकांड में आ रहा है, हत्याकांड से कुछ ही दिन पहले, 7-8-9 दिन पहले, वो भी आपके साथ साथ चल रहा है। तो जो आपका ये कहना है ये बिल्कुल सच है कि एक औरत हैं आप, एक माँ हैं, सिर्फ एक बीवी हैं, और आपको ऐसे क्रिमिनल से या गैंगस्टर से या कुछ भी जो अतीक अहमद कर रहा है उससे आपको क्या मतलब हो सकता है कि चलिए मैंने मान लिया कि पति क्या कर रहा है। ऐसे कुछ हालात पैदा होते हैं एक बेचारी मज़लूम बेजुबान औरत के लिए, पर्दा नशी औरत के लिए, बुरखा नशी औरत के लिए, कि वो अपने शौहर से क्या बोले। लेकिन साहब आपके बेटे भी देखते देखते, आपके बेटों ने भी आपके सामने देखते देखते हथियार उठा लिया, ये सवाल तो एक बार माँ से ज़रूर पूछा जाएगा, और दूसरा उस मोहतरमा से ये ज़रूर पूछा जाएगा कि ऐसे क्या हालात पैदा हुए कि आप एक शूटर के यहाँ जा रही हैं दूसरे शूटर के साथ। क्या वोट मांगने के लिए आपको इन्हीं के घर मिले थे या इन्हीं का साथ मिला था, या यूं कहें कि आपके इर्द गिर्द जो भी रहता है वो एक गुर्गा है, एक गुंडा है या एक शूटर है। तो ये जवाब आपको जरूर देना पड़ेगा। और अतीक अहमद की घर की औरतों की आवाज में जो दर्द है और जो आंखों में आंसू हैं जब वो योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगा रही हैं और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसका एनकाउंटर होगा, उसका एनकाउंटर होगा, काश ये दर्द, ये आपकी आंखों में ये आंसू उस दिन होते जब आपको पहली बार ये पता चला था कि आपके साहबजादे ने हथियार उठा लिया है, और वो भी आपके शौहर से कंधा मिला के क्राइम की तरफ, अपराध की तरफ उसका रुझान हो चुका है या उसने चलना शुरू कर दिया है। चाहे आपने मीडिया में आके ये गुहार लगा दी होती कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है, चाहे गलत रास्ते पे चलते हुए शौहर को देख के आपने शौहर से अपने आप को अलग कर लिया होता,
या आपने अगर पब्लिक में ना आके तो कम से कम घर में इस बात के साक्ष दे दिए होते कि मैं इस बात पर अतीक से बहुत नाराज रहती थी कि उसकी तो छोड़ो, उसने हमारे औलाद को भी अपनी तरह इस काम में लगा दिया और उसने हथियार उठा लिया, तो शायद लोग आदमी आदमी मीडिया जनता आप पर यकीन करती। लेकिन सब रायता बिखर जाने के बाद अगर आपकी आवाज़ में दर्द है और आपकी आंखों में आंसू हैं तो कुछ तो लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप पर यकीन करेंगे, लेकिन आम तौर पर भारत में रहने वाला इंसान या आपको सुनने वाला इंसान आप पर यकीन नहीं करेगा। और वो कौन से कुछ लोग हो सकते हैं जो आप पर यकीन करेंगे? ये कुछ लोग वो हैं जो मैंने एक डिबेट में बोला, लोग कहते हैं डिबेट की बैठना लगाया करिए साहब, आप खुद डायरेक्ट उन लोगों से रूबरू हुआ करिए। तो ये कुछ लोग जो आपकी मोहतरमा इस आंसुओं पर, इस दर्द भरी आवाज पर, इस गुहार पर जो आप योगी आदित्यनाथ से लगा रही हैं अपने शौहर और अपने बेटे के लिए, आप पर जरूर यकीन करेंगे। ये कुछ लोग वो ही हैं जो कश्मीर में जब आतंकवादियों तक के घर गिराए जाते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है, जब पत्थरबाजों के घर गिराए जाते हैं तो ये कहते हैं ये बेचारे गुमराह लड़के थे या इनको फंसा दिया गया, पत्थर यहां से नहीं चला, पत्थर वहां से चला, पत्थर मस्जिद से नहीं चला, पत्थर वहां से चला। और आप ही का पेट दर्द आज हो रहा है जब अतीक की प्रॉपर्टी गिराई जा रही है या अतीक पर परेशानी के बादल छा रहे हैं। तो यार इसका मतलब जिनके पेट में दर्द हो रहा है अतीक अहमद को लेके, उनके पेट में दर्द तो आतंकवादियों के लिए भी होता है, पत्थरबाजों के लिए भी होता है। जब पत्थरबाजों के लिए होता है तो कहते हैं वो तो बच्चे थे, तो जरा ये बता दो कि फिर एक उस इंसान के लिए क्यों हो रहा है, उस किस्म के इंसानों के लिए क्यों हो रहा है जिसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल टिप्पणी करी है कि हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स हैं। यानी आपका पेट दर्द लगता है सिर्फ तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ही देखकर होता है। मैंने उसी डिबेट में एक बात बोली थी कि जब उमेश पाल मारा गया तो शायद ही कोई इंसान ऐसा खड़ा हो, कोई ऐसा चैनल ऐसा खड़ा हो जिसने कहा हो कि हिंदू मारा गया, किसी ने नहीं कहा। लेकिन जब बुलडोजर चलने शुरू हुए और उसमें अधिकतर मुसलमान नाम सामने आने शुरू हुए तो लोगों ने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं और ये मौत तो एक बहाना है। उस मौत को हिंदू मुसलमान के नज़रिए से किसी हिंदू ने नहीं देखा था, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं देखा था, लेकिन बुलडोज़र चलते हुए बुलडोज़र को आपने तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के नज़रिए से देख लिया। पंजाब में NIA लगातार रेड्स कर रही है बिश्नोई गैंगस्टर पर, नीरज भवाना इन पर लगातार अटैक चल रहे हैं, लगातार दबिशें मर रही हैं। मूसेवाला हत्याकांड के बाद एक बहुत बड़ा नेटवर्क सामने आ रहा है हथियारों का, ड्रग्स से कनेक्टेड, क्राइम से कनेक्टेड। पूरे देश में नॉर्थ इंडिया में छापेमारियां चल रही हैं NIA की। कोई एक आपको आदमी ऐसा दिखा जिसने कहा हो कि ये हिंदुओं पर, नीरज भी हिंदू, बिश्नोई भी हिंदू, सारे गैंगस्टर हिंदू जिन पर छापेमारी चल रही है और NIA कर रही है और पकड़ दखड़ कर रही है और प्रॉपर्टियां जब्त कर रही है, डॉक्यूमेंट जब्त कर रही है, पर ये चर्चा इस मारे नहीं बने क्योंकि NIA पंजाब हरियाणा या दिल्ली के हिंदू गैंगस्टर्स पर कार्रवाई कर रही है। तो जो लोग ये कहते हो कि ये सरकार गैर मुसलमान पर कार्रवाई नहीं करती, जाके देखो जो मैं बता रहा हूँ, NIA जो लगातार रेड्स कर रही है ड्रग्स को लेकर, हथियारों को लेकर, मूसेवाला हत्याकांड के बाद, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि गैंगस्टर का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता। लेकिन ये तुम्हारी कमी है जो तुम हर आतंकवादी में, हर पत्थरबाज में और हर गैंगस्टर में मजहब ढूंढ लेते हो। और चलते चलते बस मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ लोग अटकलें लग रही हैं, इसकी गाड़ी पलटेगी, किसी की गाड़ी पलटने का वक्त आ गया, किसी का एनकाउंटर का वक्त आ गया, गोपाल यादव जी कुछ और बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी के चचा की अतीक के एक बेटे का एनकाउंटर होके रहेगा। इस पर मैं बंद लिफाफे में एक बात कहना चाहता हूं, अगर मैं सत्य साबित हुआ, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर मैं सत्य साबित हुआ तो मैं आप लोगों के सामने ये कह के आऊंगा कि देखिए मैंने ये इशारे में एक बंद लिफाफे में बात बोली थी, और अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं कह दूंगा हाँ भैया मेरा मतलब वही था जो आप समझ रहे हैं,
लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी घटना है। कुछ और गैंगस्टर्स घर के अलावा कुछ और गैंगस्टर्स भी गिर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार होगा। क्या समझे? समझे क्या कह रहा हूं? मुझे नहीं लगता कि गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार होगा, जो इस हत्याकांड में बम मारता हुआ नजर आया है, गिरफ्तार होगा, मुझे नहीं लगता होगा। समझ जाना इशारों में क्या कह रहा हूं, पर मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि अतीक का बेटा गिरफ्तार ही होगा। समझ गए आप? गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार नहीं होगा, अतीक का बेटा गिरफ्तार ही होगा। और अगर ऐसे हालात पैदा हुए कि अतीक का बेटा भी गिरफ्तार नहीं हुआ और कुछ और हुआ, तो मैं ये आपके सामने आके कहूंगा कि मेरी अटकल गलत थी, मेरा अनुमान गलत था। फिर से दोहरा दूं, गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार नहीं होगा, अतीक का बेटा गिरफ्तार होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।